गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों हमारा एनपीयू चैप्टर कर रहे थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि अब तक हमने उसका जितना भी बेसिक कराया है हमारे चार वीडियोस का, वो सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हमारी वीडियो के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, वो सारे मैं आने वाली दो वीडियोस में, तीन में, या जो भी है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उठाया है कि खाली आज की वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो सीखेंगे। सो आइए क्लास देखिए। चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मैंने आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37 उठाया है, टीएस ग्रेवाल का आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर है? आगे आइए। फॉलोइंग इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है हमेशा ऑफ UB40 क्लब। आपका क्लब है जिसका नाम है UB40। क्लियर है? 31st March 2019 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 का। रिसिप्ट में क्या क्या है, पेमेंट में क्या क्या है, देखते हैं हम लोग। और फिर नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है क्लास, कि नीचे वाली इन्फॉर्मेशन भी हमें पढ़नी है। याद है ना, क्लास 11th में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलग से नीचे गिवन होती थी। उसी तरीके से आपका ये चैप्टर है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और आपको क्या करना है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सो आइए सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट में क्या क्या दे रखा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या होता है, फीस होती है आपकी, सब्सक्रिप्शन है 2017-18 का। यानी कि आप 19 का अगर बना रहे हैं 2019 का, तो पिछले साल का दे रखा है आपको, क्या आउटस्टैंडिंग हो गया बिगनिंग का, और 18-19 का दे रखा है। डोनेशन दे रखी है क्लास, जब भी मेंशन ना हुए यहाँ पे कि किस चीज की डोनेशन है, तो उसको आप लोग जनरल डोनेशन ही एज्यूम करेंगे। टू एंट्रेंस फीस, आपके पास एंट्रेंस फीस से पैसा आया। पेमेंट आपने कहाँ कहाँ करी, सैलरीज और वेजेस में करी। ऑफिस एक्सपेंसेस हुए आपके, ऑफिस के खर्चे हुए। कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या है आपका, कौन सा नेचर है, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल नेचर। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होती है क्लास, वो आपकी एसेट्स होती है। टेलीफोन चार्जेस दे रखे हैं, टेलीफोन के खर्चे हैं आपके। इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे रखा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, घूमना फिरना इधर उधर जाना लगा रहता है, तो ट्रेवलिंग चार्जेस। और लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है क्लास, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 55,000। जब भी आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो ना, तो ऊपर जिस भी चीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर स्टार लगा लो क्लास क्वेश्चन में, ताकि जब आप क्वेश्चन करो ना डिसिप्लिन पेमेंट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, तो आपको पता चल जाए कि किस चीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे से देखनी है। दूसरा क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस दे रखे हैं। तो आइए यहाँ पे हमने सैलरीज एंड वेजेस पे लगा लिया स्टार, ताकि जब हम नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन है क्लास। क्या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन किस पे दे रखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के ऊपर, जो आपकी एसेट्स है। तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के ऊपर अपना स्टार लगा लिया कि आपका 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम अबव पर्टिकुलर्स। अब जो ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसके बेसिस पे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहली बात, जब भी वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोले, आपको कुछ नहीं करना, सीधा माइंड में ये आना चाहिए कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप अपना डेबिट के अंदर नुकसान, सो क्लास हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और अभी मैंने बोला कि सिर्फ ये माइंड में रखो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जैसे हम लोग 11th क्लास में बनाते थे। नॉमिनल नेचर होना चाहिए कि डेबिट साइड आपके सारे नुकसान और क्रेडिट साइड आपकी सारी इनकम आनी चाहिए। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा, डेबिट और क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में और इनकम आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में। इतना तो सबको पता है, हम लोग फॉर्मेट कर आए हैं हमारा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग हमारे पेमेंट साइड उठाते हैं क्लास। पेमेंट साइड आपकी सारी की सारी खर्चे हैं, तो कहाँ आ जाएगी, एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है बाय सैलरीज एंड वेजेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सैलरीज एंड वेजेस, और कितने है, 1,60,000। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, और स्टार का मतलब क्या है, हमारे पास नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो टू सैलरीज एंड वेजेस मैंने डाल दिया 1,60,000,
डालिए क्लास आते साथ। और इन्फॉर्मेशन में क्या भी बनता है कि आउटस्टैंडिंग थी सैलरी क्लास। इलेवेंथ क्लास में याद करिए जब आउटस्टैंडिंग आता था तो हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे कि बकाया है भाई, आया है आपके पास तो आउटस्टैंडिंग कितना मिला है आपको, 40,000 मिल गया। तो मैंने क्या करा, प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग 40,000 इस 1,07,000 के अंदर। क्लियर है? तो कितना आ गया आपका, 2,00,000 आ गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सारा रेवेन्यू नेचर आता है, छोटा मोटा खर्चा। तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है आपका कैपिटल नेचर, एसेट्स है, यहाँ नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर स्टार है, इसका मतलब उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? डेप्रिसिएशन लगा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। कितना लगा हुआ है? 25%, यानी कि 3,40,000 का 25%। आ जाइए टू डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन लगा देंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लगाते थे, 25% ऑफ 3,40,000, 3,40,000 का 25% कितना आ गया, 85,000। आगे बढ़ते हैं। बाय टेलीफोन चार्जेस, छोटे मोटे खर्चे हैं, रेवेन्यू नेचर है। बाय टू टेलीफोन चार्जेस 24,000। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं, 32। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप हर महीने पे करते हो, रेवेन्यू नेचर है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। आगे बोल रहे हैं बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, कितने आए, 65,000। तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। आपका बैलेंस कैरी डाउन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको पेमेंट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हमारी रिसिप्ट्स की, यानी कि जो चीज आपकी इनकम में आएगी, जो आपके पास पैसा आया है, आपको मिला है। सबसे पहले जो ब्रॉड डाउन दे रखा है, आपको कैश का ब्रॉड डाउन दे रखा है, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन तो आएगा नहीं, ब्रॉड डाउन तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ये कैश का है, यहाँ पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन याद करिए, मैंने बार बार बताया कि सब्सक्रिप्शन का एक अलग से वीडियो मैंने लिया है आप लोगों के लिए, कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का आपका बोर्ड जो है वो डालती है, जो कि आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के अंदर, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैलकुलेट करके डालते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट से। तो वो देखो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर भी आएगा और 3 नंबर में भी आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 17-18 का 60,000, यानी कि पिछले साल का क्या आउटस्टैंडिंग है, 60,000 है, और 18-19 का कितना दे रखा है, इस साल कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 3,50,000। जो ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, साथ में इसके साथ स्टार भी है, स्टार में क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका इस साल का, करंट ईयर का 55,000। 55,000 कब का है, करंट ईयर का भी है। तो आ जाइए क्लास, बढ़ते हैं हम लोग हमारे इनकम साइड की तरफ। बाय सब्सक्रिप्शन, अब याद करिए जब मैंने सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला लिखवाया था क्लास, तो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है? एक सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था जिसके अंदर आपकी 4 चीजें आ रही थी, आउटस्टैंडिंग का आ रहा था, बिगिनिंग का और एंड का, प्रीपेड का आ रहा था, बिगिनिंग और एंड का। उसके बाद मैंने लिखवाया था जिसके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था क्लास, आपका था ना करंट ईयर का, आपका कितना सब्सक्रिप्शन है उसमें हम लोगों ने एड कर दिया था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था आपका। और तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था जिसके अंदर आपका था कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, उसको इंटू कर दीजिए जितना पर मेंबर आपकी फीस पेड कर रहा है। तो क्लास देखो, मेंबर वाला तो ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं सकता, लेकिन आपके पास बाकी के दोनों ऑप्शन है जो कि आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने दोनों ऑप्शन करके बताए हैं, जो आपको इजी लग रहा है उसे यूज करिए। सबसे पहले डाला है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,50,000 का, ठीक है। उसके अंदर एड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, ये था फॉर्मूले में, आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का, 55,000। तो मैंने इसके अंदर 55,000 एड कर दिया, मेरा आंसर आया 4,05,000। वही पे जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, अगर आप वो भी अप्लाई करेंगे तो भी आंसर से। हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है इस साल का, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि इस साल का सब्सक्रिप्शन देखा था, इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है आपके पास, 3,50,000 और 60,000। तो टोटल कितना है आपके पास, 4,10,000 आया इस साल का सब्सक्रिप्शन, टोटल पैसा 4,10,000 आया। वहीं पे हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर क्या करते थे कि जो हमारा एंड का सब्सक्रिप्शन होता था, आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग जो एंड की होती थी उसे प्लस करते थे और जो बिगिनिंग की होती थी उसे माइनस करते थे। तो वही करेंगे, जो एंड का सब्सक्रिप्शन है उसे तो हम प्लस कर देंगे, 55,000 है एंड का, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 55,000। क्या करेंगे इसे हम लोग,
प्लस कर देंगे, और जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है आपका कितना 60,000, उसे क्या कर देंगे, बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 4,05,000। तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं क्लास, चाहे तो आप अपना ऊपर वाला ऑप्शन ले लीजिए और चाहे तो आप अपना नीचे वाला, यानी कि दोनों फॉर्मूले से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं और दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आएगा। ये था सब्सक्रिप्शन। और एक बार बता दूं कि अगर आपको ये 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ना, तो 1 से 2 नंबर के आपकी सब्सक्रिप्शन की ही एंट्री होती है, सिर्फ इन्हीं कैलकुलेशन को लेके कि बच्चे को सब्सक्रिप्शन का कितना आता है, समझ में आएगा। तो सब्सक्रिप्शन का करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं डोनेशन। डोनेशन के लिए मैंने अभी बताया था, अगर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि किस चीज की डोनेशन आई है एनजीओ के पास, तो वो आपकी जर्नल होती है, और जर्नल डोनेशन कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आ जाइए, 50,000 की है बाय डोनेशन, 50,000। लास्ट में है एंट्रेंस फीस, पैसा है फीस से, एंट्रेंस फीस यानी कि कितनी आ गई आपकी एंट्रेंस फीस 80,000। तो आ जाइए बाय एंट्रेंस फीस 80,000। अब मेरी पेमेंट साइड खत्म, मेरी रिसिप्ट साइड खत्म। नीचे से 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने तीनों को यहाँ पे डाल दिया। अब और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं करना, दोनों साइड को टोटल करना है। मेरी क्रेडिट साइड बढ़ी है 5,35,000, 5,35,000, और मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचा डेबिट साइड के अंदर कितना 94,000, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं टू सरप्लस। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डालते थे, टू प्रॉफिट डालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ना डाल के हम लोग सरप्लस डाल देते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारा एक क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा और बहुत इजी सा। अब हम लोग हमारा टीएस ग्रेवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी ध्यान से सुनना, इसके अंदर उससे भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली है और जो आप लोगों को सीखनी है। बढ़ते आगे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूथ क्लब। इस बार आपका कौन सा क्लब है, यूथ क्लब है। कब का है, 31 मार्च 2018 का, मतलब 31 मार्च 2018 का ईयर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखी है 18 की, क्या क्या दे रखी है, रिसिप्ट का दे रखा है आपको बैलेंस, कैरेट डाउन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को पिछले साल का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 1500 रूपए, इस साल का मिला है 60,000, और 18-19 का मिला है 1800 रूपए। यानी कि आपको इतना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, पिछले साल का भी मिला है, इस साल का भी मिला है, आने वाले साल का भी मिला है। तो तीनों सब्सक्रिप्शन को एड करके टोटल पैसा कितना आ गया, 63,300। लेकिन हमें सिर्फ इसी साल का देखना है कि ओवरऑल इस साल का हमें कितना मिला है सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, ठीक है, देख लेंगे। डोनेशन दे रखी है, लेकिन इस बार स्पेसिफाई है, मेंशन है बिलियार्ड टेबल्स की डोनेशन है, तो ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, क्योंकि ये कौन सा नेचर हो गया, कैपिटल नेचर हो गया। ठीक है, एंट्रेंस फीस आएगी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ओल्ड मैगजीन की सेल करी है भाई, महीने में भी कर देते हैं, 2 महीने में, इररेगुलर होती है ये आपकी, सॉरी रेगुलर बेसिस पे होती है, ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स का, तो ये छोटा मोटा खर्चा है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। पेमेंट भरते हैं, सैलरीज आएगी, पोस्टेज आएगा, रेंट आएगा, छोटे मोटे सारे खर्चे आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपकी एसेट्स है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे, फर्नीचर, क्या फर्नीचर आएगा, नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस बार इंटरेस्ट है क्लास 10%, बाय 10% इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 10% जब इन्वेस्टमेंट आपको इस तरीके से देता है ना, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, अक्टूबर से निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर से इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही है। आगे बढ़ रहे हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि आप लोगों का क्या होगा, कुछ होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन का, नहीं होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है क्लास, कब की, इस साल की, यानी कि इस साल के एंड में आपकी कितनी सब्सक्रिप्शन थी टोटल, 16,200। आगे 1200 इज स्टिल एरियर फॉर द ईयर, अरे बापरे, पिछले साल के 1500 तो आए, लेकिन अभी भी 1200 आपके एरियर में है पिछले साल के, फॉर द ईयर 2016-17। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैंने स्टार लगा लिया कि सब्सक्रिप्शन की आपकी इन्फॉर्मेशन है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹3,045। याद आया, कंज्यूमेबल आइटम्स हम लोग कर आए थे कि हमने कितना कंज्यूम कराया हमारे आइटम को, ये वो वाली टर्म आ गई आपकी। तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल पे स्टार बना दिया कि इसके अंदर हम लोगों को हमारा कंज्यूम्ड पार्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर।
अब यहाँ पे देखो फर्नीचर की आपको डेट भी दे रखी है कि फर्नीचर कब खरीदा था, 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो 1 अक्टूबर से 10% का उसके ऊपर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन, क्या बना दिया, स्टार बना दिया। तो यहाँ पे आपको कितने स्टार हो गए, 1, 2, 3 तीन स्टार हो गए, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन जो है वो सब्सक्रिप्शन की है। तो ये स्टार जरूर बनाना ताकि आप लोग पेपर में गड़बड़ी ना कर दो क्लास। अगर स्टार नहीं बनाओगे, भूल जाओगे, बाद में देखोगे, तो फिर आप काटा पिटी करोगे, आपका आंसर जो है वो बहुत गंदा लगेगा। और अपना कोशिश करो कि आप जितना अच्छा कर सको, अपनी राइटिंग परफॉर्मेंस जितनी अच्छी दिखा सको उतनी अच्छी दिखाया करो एग्जाम्स के अंदर। चलो सबसे पहले मैंने बोल रखा है पेमेंट उठाएंगे हम लोग, पेमेंट उठाते हैं। पेमेंट में सैलरीज कोई स्टार नहीं था, तो 2 सैलरीज 31,500। फिर हम स्टार उठाएंगे पोस्टेज 1250, 2 पोस्टेज 1,250, बाय रेंट 9,000, टू रेंट 9,000 डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा 14,000 से, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल तो नहीं आएगा, वही पे उसके ऊपर स्टार था क्लास, यानी कि उसका कंज्यूम्ड पार्ट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे टू कंज्यूम पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब कितना कंज्यूम, देखो क्लास स्टार्टिंग में आपके पास 1 अप्रैल 2017 को 3,000 रूपए थे, 3,000 का स्टॉक था आपके पास, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 3,000 का। अब बीच में साल में कभी ना कभी, डेट नहीं दे रखी, लेकिन कभी ना कभी आप लोगों ने ये परचेज किया होगा, तो जो रिसिप्टेंट पेमेंट पे इस तरीके से आपको गिवन होता है उसे परचेजेस कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम परचेजेस को ऐड कर लेते हैं किसमें, ओपनिंग स्टॉक में, और लास्ट में आपके पास कितना बचा 4,500, और उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यही फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था जब कंज्यूम पार्ट निकालना सिखाया था, अकाउंट में भी ऐसे ही बताया था, तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो आपका कंज्यूम पार्ट आ गया कि आपने 10,000 अपना कंज्यूम करा था स्पोर्ट्स मटेरियल से। आगे बढ़ते हैं, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे हैं। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है आपका, एसर्ट्स है, आएगा नहीं आएगा क्योंकि रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो फर्नीचर के ऊपर यहाँ पे आपका देखो क्लास क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन कितना 10%। तो यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 10%, कितने के ऊपर, 20,000 के ऊपर। तो आ जाइए डेप्रिसिएशन लग जाएगा 20,000 के ऊपर आपका 10% 6 महीने का, क्यों, क्योंकि अक्टूबर से मार्च आपके 6 मंथ्स होते हैं। तो 20,000 के ऊपर आपका 20,000 लिखा है क्लास, ये 2,000 नहीं है, 20,000 के ऊपर 10% 6 महीने का कितना हो गया 1,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया था कि जब इंटरेस्ट दे रखा हो, यहाँ पे लिखा हो 10%, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, और इंटरेस्ट क्या होता है, मिलता है, मिलता है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, कितने का 70,000 का, कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से मिलेगा आप लोगों को, तो 70,000 का 10% 6 महीने का बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा। क्लियर है, चलो बाय बैलेंस कैरी डाउन कुछ नहीं होगा। अब पहुंचते हैं हम लोग हमारे रिसिप्ट के ऊपर, रिसिप्ट में मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आप लोगों को मैं समझाऊंगी भी कि कैसे आई है। सबसे पहले सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, रेवेन्यू नेचर है, बिल्कुल आ जाएगा 450, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स पैसा आया है, क्रेडिट में चला गया 450। एंट्रेंस फीस पैसा आया है 1100 से, बाय एंट्रेंस फीस 1100। लास्ट बचा आपका सब्सक्रिप्शन, जो कि सबसे पेन है आपका। सब्सक्रिप्शन में आप क्या करना है, पिछले साल के 1500 मिले, इस साल के 60,000, और आने वाले साल के 1800, यानी कि टोटल पैसे आपको 63,300 मिले। डायग्राम पे आ जाइए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपका 2 साल का, ठीक है, क्योंकि आने वाले साल का तो आपका ये 1800 आ गया, हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे अपना एडवांस एट द एंड के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये है 16-17 का, ये है 17-18 का फाइनेंशियल ईयर। उसने बोला है कि पिछले साल के 1500 रूपए आपने रिसीव करे हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक पर्सन था ए पर्सन ने हमें 1500 रूपए दिए हैं, कितने 1500 हमें इस बार पेड कर दिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक आदमी को बनाया 1500 से, और यहाँ पे दिखा दिया टिक करके कि हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने बोला है अब नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है क्लास इस साल की कितनी, 16,200, ठीक है। अब हमारे पास एंड में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग बचा, 16,200, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन करा है 18 के एंड में, मतलब इस साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में, तो करंट ईयर के एंड में हमारे पास
था 16,200 नहीं मिले हमें, लेकिन आगे उसने ये भी बोला है कि 1200 का एक पर्सन था जिसने हमें पिछले साल के 1200 रुपए अभी तक भी नहीं दिया। हमने पिछले साल उससे मांगे, बी पर्सन है, हमने पिछले साल मांगे उसने नहीं दिए, हमने इस साल भी मांगे तो भी उसने नहीं दिए। इसका मतलब इस 16,200 के अंदर मैं ये कहूंगी जो 1200 रुपए है वो आपके पिछले साल के, तो करंट ईयर का आपको कितना रह गया बकाया, यानी कि करंट ईयर का आपको कितना पैसा नहीं मिला, 15,000। भाई जितना आपको टोटल इस साल नहीं मिला उसमें से मैं पिछले साल का, मुझे जब 1200 नहीं मिला मुझे पता है तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगी, मेरा करंट ईयर का निकल जाएगा। हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला था उसमें यही होता है ना, तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम प्लस कर देते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए मैंने क्या करा कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसको उठा के माइनस कर दिया अपने टोटल आउटस्टैंडिंग में से। क्लियर है? अब ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। आते हैं हम लोग हमारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला मैंने आपको दोनों बता रखा है, दोनों तरीके से करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट फॉर्मूला उठा लिया, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, एडवांस एट द एंड माइनस होता है। आ जाइए, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, 63,300 मैंने डाल दिया, 63,300। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लास्ट का आउटस्टैंडिंग उसे दे रखा है हमें क्वेश्चन में 16,200, तो मैंने 16,200 क्या कर दिए, प्लस कर दिए, लेकिन कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ एडवांस एट द बिगनिंग का क्लास, तो उस केस में आप इसको या तो मत ही लिखो या इसको जीरो मेंशन कर दो, डजंट मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है नेक्स्ट हमारा। बिगनिंग में कितना हमारे पास आउटस्टैंडिंग था, हमें कितना पता था कि स्टार्टिंग में हमें पिछले साल का पैसा मिलना चाहिए, 1500 तो उसने हमें बाद में दिया होगा ना, ये तो है नहीं 1 तारीख को दे दिया होगा, तो बिगनिंग में कितना, एक तो ये 1500 हमें नहीं मिला था पिछले साल का और हमें 1200 भी नहीं मिला था पिछले साल का, तो टोटल कितना हो गया, 2700 रुपए नहीं मिले ना हमें। भाई बिगनिंग में तो 2700 हो गए, तो 2700 यहाँ पे उठा के हमने माइनस कर दिया। ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्लास, बार बार बोल रही हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में लास्ट है एडवांस एट द एंड। एंड में कितना एडवांस मिला आपको, 1800 रुपए, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा एडवांस एट द एंड होता है क्लास, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एडवांस एट द एंड 1800 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया आपका टोटल, 75,000। कैलकुलेशन करके 63,300 में मैंने प्लस करा 16,200 और माइनस कर दिया 2700 और 1800, मेरा आंसर आ गया 75,000। वहीं पे अगर मैं आपको सेकंड फॉर्मूले से कराऊं तो देखना बिल्कुल सेम आंसर आएगा। कैसे, सबसे पहले करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का कितना है सब्सक्रिप्शन, 60,000 है, 60,000 यहाँ पे दे रखा है, गिवन है 60,000 डाल दिया। हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आप देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे आपको निकालना सिखाया था कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग होता है उसमें से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, पिछले साल का कितना था 1200, तो करंट ईयर का कितना बचा 15,000, तो मैंने उठा के 15,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और तीसरी चीज आपकी होती है एडवांस एट द बिगनिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 75,000। दिमाग वाली बात है कि आपको उस टाइम दिमाग किस में चलता है, आपको यहाँ पे अगर डायरेक्ट गिवन है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो उठा के ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड को टोटल करना है, जो साइड बड़ी आएगी उसको नीचे लिख देना है। कौन सी साइड बढ़ी आई मेरी, क्रेडिट साइड बढ़ी आई, 80,050 दोनों साइड को मैंने टोटल करा, टोटल करके मेरी क्रेडिट साइड दोनों साइड लिख दी। अब मेरा यहाँ पे बचा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में कितना, 10,200, जिसका नाम आ गया टू सरप्लस। तो इसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें नहीं बताई है क्लास, पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका अगर परसेंट दे रखा है तो आपको वो इनकम में शो करना पड़ेगा। कंज्यूमेबल आइटम को अगर कंज्यूम्ड पार्ट निकालना है किसी भी आपको एसेट्स का तो वो इस तरीके से निकाला जाता है, यहीं पे शो किया जाएगा आपका। और तीसरा हमारा सब्सक्रिप्शन का तो पार्ट है ही है, समझ में आया। अब उठाते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन, सो क्लास अभी हम लोगों ने हमारे दो क्वेश्चंस देखे, आई होप कि आप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उनके अंदर मैंने कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें बताई थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 41 पीएस ग्रेवाल का, जिसके अंदर और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। क्वेश्चन देख के मत डरो, क्वेश्चन बहुत इजी है कि हाँ भाई इतनी सारी चीजें गिवन है, लेकिन हमें ये देखना है कि इनमें से रेवेन्यू नेचर का कौन सा है और हम लोगों को हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनमें से कौन कौन सी चीजें डालनी है।
आइए क्लास क्वेश्चन नंबर 41। फॉलोइंग द सेकंड पेमेंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब, इस बार आपका क्लब का नाम है दिल्ली फुटबॉल क्लब, फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। इस बार आपको फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2019 का, ठीक है। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है आप लोगों को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं होगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कौन सी नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगी ही नहीं है, ठीक है। डोनेशन बिल्कुल आएंगी क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट है, लेकिन वो गवर्नमेंट ग्रांट क्लास यूथ टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक तो इसमें आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ओके। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये भी कैपिटल नेचर का होता है, ये भी नहीं आएगा, ओके। मैच फंड, मैच फंड है तो जरूर आपका पेमेंट में इसका कोई ना कोई खर्चा होगा, इसको अभी मार्क कर लीजिए, हम लोग पेमेंट पढ़ेंगे तब देखते हैं कि कुछ इसमें से हमें मिला है, कुछ डोनेशन है फंड का, कुछ खर्चा हुआ है, कुछ भी चीज इससे रिलेटेड है वो भी हमें देखना है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको 52,000, ओके। लोकर रेंट, लोकर रेंट क्या है, छोटा मोटा खर्चा बिल्कुल आएगा लोकर रेंट आप लोगों का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस बार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखी है क्लास, जरा इसको ना डबल स्टार से मार्क कर लेना, इससे रिलेटेड मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन बतानी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, साथ में यहाँ पे आपको अलग से 10% इन्वेस्टमेंट भी बोल रखी है, जो कि आपने कर दी थी 1 जुलाई को, यहाँ पे भी अलग से दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। टू सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है आएगा नहीं आएगा, लेकिन 80,000 का जब 1 लाख में बेचा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो बिल्कुल आएगा, प्रॉफिट और लॉस तो डालते हैं हम लोग, प्रॉफिट आ जाएगा। एंट्रेंस फीस आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी एंट्रेंस फीस, कितने की, 50,000 की। आगे बढ़ते हैं, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगा नहीं आएगा, पेमेंट में बिल्डिंग आपका कौन सा नेचर है, कैपिटल नेचर है तो नहीं आएगा। बाय प्रोजेक्ट एक्सपेंस, प्रोजेक्ट एक्सपेंस है आप लोगों का यूथ टैलेंट इन सर्च डेवलपमेंट, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीजें आती है, नहीं आती नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। बाय मैच एक्सपेंसेस आ गया ना क्लास, देखो यहाँ मैच फंड था और यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस थे, हमारे पास फंड कितने रुपए का था, 80,000 का, खर्चा कितना हो गया, 90,000। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जब हमारे पास मटके के अंदर पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम लोग एक्सपेंडिचर के अंदर जितना खर्चा कम पड़ गया एक्सपेंडिचर के अंदर से उतना खर्चा हम लोग उठाते हैं, ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया था जब मैं आपको फंड रिलेटेड बैलेंस शीट बता दी थी आपको, फंड बेस रिलेटेड, फंड बेस अकाउंटिंग की जब मैं आप लोगों को बैलेंस शीट सिखाई थी, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास हमारे मटके के अंदर पैसा कम पड़ जाता है तो हम कहाँ डालते हैं उसे, एक्सपेंडिचर में। तो देखो ये चीज तो मैं पहले ही डाल देती हूँ अपना, टू मैच एक्सपेंसेस कितना रुपए हमारे पास कम पड़ गए खर्चे के लिए, 10,000, तो इसको तो आप सबसे पहले डाल दो ताकि आप लोग इसे भूल ना जाओ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका बाय फर्नीचर, फर्नीचर आता है नहीं आता। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लो, इसकी तो मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। बाय सैलरीज बिल्कुल आएगा, इंश्योरेंस बिल्कुल आएगा, सन्डरी एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, बाय बैंक यूथ टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट अगेन स्पेसिफिक नहीं आता, और वैसे भी आपका बाय बैंक है तो नहीं आएगा, देख लिया हम लोगों ने सारी चीजें। अब बढ़ते एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द क्लब हैज 550 मेंबर्स, याद करो थर्ड वाला फॉर्मूला आ गया क्लास, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, सेकंड वाला सिखा दिया, अभी पिछले दो क्वेश्चंस में हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते आ रहे हैं, इस बार आपको क्वेश्चन में उसने थर्ड वाला फॉर्मूला दे दिया, सबसे इजी फॉर्मूला कि 550 मेंबर है और हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपए ले रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपके पास कितनी आनी चाहिए थी इस साल, 550 × 100, इससे इजी तो आपका है ही नहीं कोई चौथा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हैं, तीनों में से सबसे इजी फॉर्मूला वो आपको इस क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट 1 अप्रैल 2018 यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी, 10,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एंड 31 मार्च 2019 एंड में कितनी थी, 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस बार आपको दो ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें से भी सब्सक्रिप्शन की सबसे ईजी वाली इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चलिए आते हैं हम लोग हमारे इसके ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर।
एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, मैच एक्सपेंसेस तो हम लोगों ने पहले ही डाल दिया। आप लोग ना फॉर्मेट बना लिया करो कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हाथ के हाथ डालनी पड़ती है क्लास, अदरवाइज वो फिर आप लोगों के माइंड से स्लिप हो जाती है और उसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैच एक्सपेंसेस का आपको बताया, पेमेंट से स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग नहीं आएगा, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, मैच एक्सपेंसेस हम लोग डाल चुके हैं, फर्नीचर नहीं आएगा, 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं क्लास। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम लोगों को इस तरीके से 10% इन्वेस्टमेंट गिवन होती है और जितने जोन से महीने में खरीदी है उससे लेके मार्च तक हम लोग हमारा उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन इस बार आपको उसने ये भी बता दिया कि इस बार आपको मिला कितना है, 10,000। वहीं पे अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूं 1,60,000 का, 10% का निकालती हूँ अगर मैं 9 महीने का, क्योंकि जुलाई से मार्च तक 9 महीने होते हैं। आज ही अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बाय इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट मैंने 1,60,000 का निकाला क्लास, 10% 9 महीने का, जुलाई से लेके कब तक का आपका, मार्च तक का। मुझे मिलना चाहिए था 12,000, लेकिन मुझे रिसीव्ड कितना हुआ है, 10,000। तो जो 2,000 एक्रूड रह रहा है ना क्लास आपका, 12,000 में से जब आपको खाली 10,000 रिसीव हुआ तो जो 2,000 आपका रह रहा है ये एक्रूड हो गया आपका। अब ये जो एक्रूड होता है ना उसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं करना होता क्लास, हमें सिर्फ यहाँ पे इतना दिखाना है कि हमें कितना मिलना चाहिए था, 12,000 मिलना चाहिए था। अभी जो 2,000 एक्रूड है ना ये आपकी एक तरह से एसर्ट्स हो गई, भाई मिलना चाहिए था नहीं मिला, एसर्ट्स हो गई, तो ये आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते। जब हमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनाने के लिए बोली होती है ना उस टाइम पे हम लोग इस 2,000 को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे इस 2,000 का कोई यूज नहीं है, इस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का और कुछ भी यहाँ पे हमारे पास मतलब नहीं होता, सिर्फ ये हमें एक्रूड निकालना होता है। ये आपकी एक छुपी हुई एडजस्टमेंट होती है जो कि आपको निकालनी होती है और ये आप कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, समझ में आया। इसीलिए मैंने 2 स्टार्स लगवाए थे कि ये आपकी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए सैलरीज आ जाती है, ठीक है सैलरीज आ जाएंगी 70,000, लेकिन आपको नीचे इसकी क्या दे रखी थी, इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। इस बार आपने वो स्टार नहीं लगवाए, सब्सक्रिप्शन पे और सैलरीज पे दो इन्फॉर्मेशन थी। तो सैलरीज का आपको देखो आउटस्टैंडिंग दे रखा है क्लास, एंडिंग का और बिगनिंग का। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या करते हैं, प्लस, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, तो कर दीजिए। एंड में आपके 5,000 थे, 70,000 में से मैं क्या करूंगी, 5,000 प्लस एंड का प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मैंने प्लस कर दिया, और बिगनिंग में कितना था, 10,000, तो मैंने बिगनिंग आउटस्टैंडिंग का माइनस कर दिया, तो मेरा टोटल आंसर आ गया 65,000। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस 3,500, टू इंश्योरेंस 3,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700, और कुछ भी नहीं था, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आता, बाय बैंक नहीं आता, दैट्स इट, पेमेंट साइड खत्म। बढ़ते हैं हमारी रिसिप्ट साइड के ऊपर जो कि हमारा इनकम में आता है। आज बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता, डोनेशन स्पेसिफिक है नहीं आएगी, डोनेशन जब कुछ नहीं लिखा हो उसको हम जनरल मानते हैं 50,000 से, तो बाय डोनेशन 50,000। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट है लेकिन स्पेसिफिक है क्लास, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक कोई भी चीज नहीं आती है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वाली नहीं आएगी। हम लोग मैच फंड का डाल चुके हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती, कैपिटल नेचर की होती है। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको कहा था नीचे आपको डायरेक्ट उसने फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या था, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था सब्सक्रिप्शन का, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनको इंटू कर दीजिए पर मेंबर कितना दे रहा है आपको, तो कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा ये आपका 55,000 आ गया, तो उठा के डाल दीजिए 55,000। कितना सब्सक्रिप्शन, ₹55,000। इसके अलावा इसमें सब्सक्रिप्शन का और कुछ नहीं करना आपको। आगे बढ़ते हैं, लॉकर रेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, बाय लॉकर रेंट 4,000। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल तो नहीं आएगी लेकिन उसका प्रॉफिट जरूर आएगा, इनकम हुई है कितने की, 20,000 की, 80,000 का फर्नीचर आपने 1,00,000 में बेच दिया तो क्या हो गया, बाय गेन ऑन फर्नीचर 20,000 का प्रॉफिट हो गया। एंट्रेंस फीस आती है, बिल्कुल आती है, कितने से, 50,000 से, बाय एंट्रेंस फीस 50,000। कितना इजी क्वेश्चन था क्लास, देखने में लग रहा था कि पता नहीं कितनी सारी चीजें गिवन है लेकिन करने में ये उतना ही इजी था। सो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों साइड मैंने मेरी बैलेंस करी, कितनी क्रेडिट साइड मेरी बढ़ी आई, 1,91,000। यहां बचा मेरा बैलेंस टू सरप्लस, क्लियर है। अब क्लास में एक चीज और बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड कभी नहीं लिखते अपना फॉर्मेट के अंदर, जब भी बनाते हैं सोचते छोड़ो ना ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके इसके मार्क्स कटते हैं क्लास,
अगर आप लोग फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं तो इसके आप लोगों के मार्क्स रिडक्शन होती है। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे तीन क्वेश्चन देखे, आई होप कि तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ आपके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। सो क्लास, मैंने क्वेश्चन उठाया है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर वो ये बोल रहा है फ्रॉम फॉलोइंग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, अगेन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है, जयपुर स्पोर्ट्स क्लब है इस बार, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 2019। ओके, रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट में क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिए, बैलेंस ड्रॉ डाउन नहीं आता, एंट्रेंस फीस आती है, लेकिन इस बार एंट्रेंस फीस पिछले साल की दे रखी है और इस साल की दे रखी है, हमें टोटल मिला 60,000 रूपए। एंट्रेंस फीस कितनी आई आपके पास टोटल? 60,000 रूपए आई है। एक मिनट क्लास, 60 साल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी आई है आपके पास? 60,000 रूपए आई है। आगे बोल रहे हैं टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन भी आता है, सब्सक्रिप्शन आपका पिछले साल का है 10,000 का, इस साल का 90,000, लेकिन उसने ब्रैकेट में 90% बोला है क्लास, मतलब आपके पास जितना आना चाहिए था 100% आना चाहिए था, उसका सिर्फ 90% आया, यानी कि 1,00,000 आना चाहिए था, उसमें से सिर्फ कितना आया है? 90,000 आया है। तो ये तो आप लोग देख के भी समझ जाएंगे कि 10% का आउटस्टैंडिंग है इस साल का, करंट ईयर का, जब 100% में से 90% आया तो ये जनवन सी बात है कि 10% आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। आने वाले साल का आपको मिला है 5,000। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती, डोनेशन बिल्कुल आएगी क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगी, स्पेसिफिक है, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी आएगी, सब्सक्रिप्शन आएगी गवर्नर पार्टी का है, ये आपकी नहीं आती है क्लास, इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, अब देखो 8% एफडी के ऊपर इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट में भी आपका एफडी होगा, बिल्कुल है। ये देखिए बाय 8% आपका एफडी फिक्स डिपोजिट है, जो कि 1 अक्टूबर को लिया था 1,20,000 का, सेम वही करना है जो भी हम पीछे कर आए हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, जो हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का करा था वही सेम चीज आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट का करना है। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बिल्कुल आएगा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है वो तो नहीं आएगा, लेकिन देखो 500 का बेचा है 1200 का, लॉस हो गया तो लॉस जरूर आएगा। आगे लॉकर रेंट बिल्कुल आएगा, अब लॉकर रेंट में आपका 600 रूपए 6800 है, लेकिन उसमें से 600 रूपए पिछले साल का था, हमें तो सिर्फ करंट का देखना है ना, तो 6800 में से 600 माइनस कर देंगे, ठीक है। पेमेंट में क्या क्या दे रखा है? रेंट दे रखा है, लेकिन क्लास जो रेंट दे रखा है ना 60,000, इसमें इंक्लूडेड है 15,000, इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है पिछले साल का, तो माइनस करके लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा 60,000, पिछले साल का 15,000 है, अगेन माइनस करेंगे क्योंकि पिछले साल से हमें लेना देना नहीं है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ इस साल का देखेंगे कि कितना आया है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका ये एसेट्स हो गई। बाय फर्नीचर, फर्नीचर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। इंटरेस्ट आपका जरूर आएगा, हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है आपकी, वो आपको मिल रहा है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बाय बुक्स, बुक्स आएंगी? नहीं आएंगी, बुक्स आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है क्लास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपका न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर बिल्कुल आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिल्कुल, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया, हमने पढ़ लिया इस बार, हमें क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए आ जाइए क्लास, सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड उठाते हैं हमारी। पेमेंट साइड के अंदर जब मैंने उठाया बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट यानी कि आपका देखो रेंट में मैंने आपको बोल रखा है कि 60,000 है, 60,000 रेंट आपका कितना दे रखा है? 60,000 दे रखा है, तो 60,000 में से क्या करेंगे हम लोग क्लास, ध्यान से देखना, बाय रेंट 60,000, लेकिन बोले पिछले साल का 15,000 है, तो टू रेंट करके 60,000 में से पिछले साल का हम माइनस कर देंगे, सिर्फ इस साल का रखेंगे, जो भी बचेगा आपका 45,000। अगेन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पिछले साल का 15,000 है, तो इस साल का कितना हो गया? 60 माइनस 15 कर दो, 45,000 हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे, फर्नीचर नहीं आएगा, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट आएगा, वही सेम चीज देखो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको अलग से दे रखा है कि आपको मिला तो 2400 है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था क्लास बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट 1,20,000 का 8% और 6 महीने के लिए। तो 1,20,000 का 8% 6 महीने के लिए 4800 मिलना चाहिए था, मिला 2400। इसका मतलब एक बात बता, 2400 मिला तो 2400 आपका क्या रह गया, एक्रूड रह गया ना आपका, और ये कहाँ चला जाएगा, एसेट से ही आपकी, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, हमें मिलना कितना चाहिए था, हमें उससे मतलब है 4800 मिलना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देख कर आए हैं। अभी टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का अपना कोई मटका होगा यहाँ पे जिसमें से हम लोग, ये स्पेसिफिक है ना कि टूर्नामेंट के लिए खर्चा करना है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपका फंड है, टूर्नामेंट का कोई फंड बना हुआ है, इधर देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, देखो डोनेशन मिली है टूर्नामेंट के लिए, और इधर से आपका एक्सपेंसेस है, डोनेशन तो मिली है 50,000 की और खर्चा कितने का हुआ है 10,000 का, तो भाई ये तो इसके अंदर से चल जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 60,000 का खर्चा होता और डोनेशन होती 50,000 की, तब हम 10,000 क्या करते अपने खर्चे में डाल देते, लेकिन जब हमारा खर्चा जो है वो डोनेशन के पैसों से खत्म हो रहा है तो हम लोग उसका कुछ नहीं करते। इस केस में आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं है। पे आगे बढ़ते हैं, बुक्स नहीं आएगी आपकी, एसर्ट्स है, न्यूज़पेपर आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर महीने लेते हो, तो बाय न्यूज़पेपर का 1,000, तो 2 न्यूज़पेपर 1,000 रूपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आएगा 19,000 से, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। छोटे मोटे खर्चे सारे आएंगे आपके, और कुछ नहीं दे रखा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिसिप्ट साइड पे क्लास। रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में भी फिर वही कर रखा है, पिछले साल का 10,000, इस साल का 50,000। हमें खाली इस साल से मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इस साल का 50,000 उठा के डाल दो बाय एंट्रेंस फीस 50,000। नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सेकेंड फॉर्मूला याद करो, सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है उसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, यही कर आए थे अभी, एडवांस यहाँ पे दे नहीं रखा बिगनिंग का, तो हम लोग वही सेम चीज करेंगे। करंट ईयर का जो आपको सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का टोटल कितना मिला है 90,000, तो मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो डाल दिया 90,000, उसमें आप प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। अभी मैंने समझाया था जब 90% आपको मिल गया तो इसका मतलब 10% नहीं मिला, और 90% अगर 90,000 आ रहा है तो 1,90,000 हुआ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 10,000 हो गया ना 1,00,000 का 10%, तो देख लीजिए यहाँ पे 10,000 हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया आपका, ऐड कर दिया। तो टोटल आपको इस साल कितना मिलना चाहिए था सब्सक्रिप्शन, 1,00,000 मिलना चाहिए था, और मिला कितना खाली 90,000। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती आपकी, कट कर दीजिए। डोनेशन, खाली डोनेशन है, खाली डोनेशन का मतलब क्या है, जर्नल है, बिल्कुल आएगी 1,20,000 से, तो बाय डोनेशन 1,20,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आता, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आती है क्लास। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, अब सब्सक्रिप्शन मिला लेकिन गवर्नर पार्टी के लिए, स्पेसिफिक हो गया ना, नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% FD, इसका हम करके आ चुके हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है आपने 300 रूपए का, बिल्कुल आ जाएगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रूपए। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटीरियल, क्लास मैंने क्या रखा है, अगर कोई एसर्ट्स बेच रहे हो तो नहीं आएगी, लेकिन उसका प्रॉफिट और लॉस आएगा। अब देखो 1200 की चीज 500 में बेच दी, नुकसान हो गया, और नुकसान कहाँ आता है, डेबिट में आता है एक्सपेंडिचर। तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, 1200 की चीज 500 में बेची, तो डिडक्ट करके हमें कितने का नुकसान हो गया, 700 रूपए का नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 लोकर रेंट, लोकर रेंट आएगा, छोटा खर्चा है 600 से, तो बाय लोकर रेंट। इसके अंदर इंक्लूड था क्लास 600 रूपए पिछले साल का, पिछले साल कोई पर्सन रहा होगा जिसने हमें 600 रूपए नहीं दिए, उसने उसको अब याद आया भूले भटके को कि हाँ भाई मुझे पैसे वापस करने हैं, तो उसने हमें पैसे दिए 600 रूपए, लेकिन हमें तो सिर्फ इस साल से मतलब होते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो 6800 में से मैंने 600 माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर आया 6200। और कुछ भी नहीं था, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बार। मैंने क्या करा, दोनों साइड टोटल करा, मेरा क्रेडिट साइड बड़ी आ गई 2,81,300, और फिर यहाँ पे मेरा बच गया अगेन बैलेंसिंग डेबिट साइड में, जिसको मैंने नाम दे दिया सरप्लस। मैंने 2,81,300 में से इन सबको कर दिया माइनस, तो मेरा बैलेंस बचा बात। तो ये था क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने कई जगह शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है,
आप लोगों को बिल्कुल भी उन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज नहीं करना है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्लास। तो प्लीज जब आप आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखे हैं, अब आगे की आने वाली वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी सीखेंगे कि इनके साथ हमारी जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से बनती है। सो प्लीज क्लास डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि अब जो आगे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और करवाने वाली हूँ आपको वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।